नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर सो इन दी ऑनगोइंग सीओपी 27 इन इजिप्ट इंडिया के द्वारा एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया गया है एंड दैट टू अगेंस्ट द रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ने यहां पे कहा है दैट वी आर नॉट हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स एंड दैट इज वाई डू नॉट क्लब अस विद डेवलप्ड नेशन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है दैट वी आर नॉट अ हिस्टोरिकल पोल्यूटर इंडिया हैज इनफैक्ट फैक्ट ब्लॉग्ड एंड अटेम टू फोकस ऑन द टॉप ट्वेंटी और ये वाली जो कोशिश थी ये दुनिया के जो सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक प्रपोजल सामने रखा गया था कि सभी टॉप एमिटर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया एंड चाइना लेकिन ने उसको साफ साफ यहां पे ब्लॉक कर दिया है जानेंगे पूरी कहानी क्या है इंडिया का यहां पे ब्लॉक करने का कारण क्या है उसको भी समझा जाएगा आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं ऑल सो सीओ ट्वेंटी सेवन आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं और इसका जो ट्वेंटी सेवन संस्करण है वो फिलहाल चल रहा है इजिप्ट का एक शहर है जिसका नाम है शर्मेल शेख ये वाला जो शहर है ये डायरेक्टली रेड सी में ओपन करता है और यहाँ पर इस शहर में चल रहा है इस साल का सीओपी ट्वेंटी सेवन ये जो है काफी लंबा प्रोसेस होता है इट एट स्टार्टेड ऑन सिक्स ऑफ नवंबर और ये अभी चलने वाला है अठारह नवंबर यानी कि अभी कुछ दिन तक ये और चलने भी वाला है इस पर्टिकुलर समिट में जो दुनिया के टॉप जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने एक नया प्रपोजल पेश किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के गोल्स हैं अगर जो हमें हमारे क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं उनको पूरा करना है तो केवल डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं बल्कि जो फिलहाल दुनिया में आने वाली टॉप 20 एमिटर्स हैं व्हिच इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना उनको भी अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन हैं उनको कट डाउन करना होगा आप यहां पे देख सकते हैं विकसित देशों ने चाहा कि भारत और चीन सहित सभी जो शीर्ष 20 उत्सर्जक उत्सर्जन में भारी कटौती पर चर्चा करें ना कि केवल समृद्ध राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं ये वाले जो रिच कंट्रीज हैं बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे बातचीत कर रहे थे ऑन समथिंग कॉल्ड एज द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम इसको हम लोग एनडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं जिसमें कि ये इनका प्रपोजल था कि अगर हमें हमें ग्लोबल वार्मिंग के गोल्स को पूरा करना है तो हमें 2030 तक 50 परसेंट तक हमारे जो एमिशन हैं उनको कट डाउन करना होगा और इन्होंने यहां पे जो बेस ईयर था ये 2010 को लिया हुआ है आपको बता दें कि ये जो एमडब्ल्यू है इसकी चर्चा पिछले साल सीओपी ट्वेंटी में शुरू हुई थी ग्लासगो में जिसमें कि यह तय किया गया था कि 45% का रिडक्शन होना जरूरी है बाई 2030 लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि 45 का नहीं बल्कि 50% का रिडक्शन होना चाहिए और इसीलिए इन्होंने इंडिया और चाइना जैसे जो विकासशील देश हैं इनको इंक्लूड करने का प्रस्ताव भी सामने रखा था आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा टॉप ट्वेंटी कंट्रीज का डेटा है वो आपके सामने है जिसमें कि नंबर वन पे चाइना है देन यूएसए यूरोपियन यूनियन

ट्वेंटी एमिटर्स ऑफ सीओ टू इन वर्ल्ड में काउंट करी जाती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज का यह मानना था कि इनके ऊपर भी अब रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाना चाहिए इनके ऊपर भी जो सीओ टू एमिशन है कट डाउन करने का फैसला लिया जाना चाहिए लेकिन इंडिया ने यहां पे बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि जी नहीं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इंडिया हैज आउटराइटली ब्लॉक्ड एन अटेम्प्ट बाय रिच नेशंस टू फोकस ऑन ऑल टॉप ट्वेंटी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द ऑन द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि इंडिया जो है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग विच ऑलरेडी अकर्ड क्योंकि जो मैक्सिमम वार्मिंग थी वो ऑलरेडी हमें 1990 से पहले ही देखने को मिल चुकी थी और ये वो टाइम था जब इंडिया जैसी जो इकोनॉमीज थी उनका जो विकास था वो केवल शुरू ही हुआ था तो हम लोग हिस्टोरिकली दुनिया को पोल्यूट करते नहीं आए हैं जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं वो अलग हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अलग ही रखना चाहिए इसमें आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इंडिया का जो ये वाला अटेम्प्ट था इसमें काफी सारी कंट्रीज ने इंडिया की सपोर्ट करी विच इंक्लूड्स चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल एंड भूटान और आपको बता दें कि इंडिया ने इस बात को ऐसे ही नहीं बोला इंडिया ने इस बात को इसलिए बोला बिकॉज डेटा भी इंडिया को सपोर्ट करता है जो लेटेस्ट डेटा हमारे सामने आया हुआ है बाय द यूके बेस्ड एजेंसी कार्बन ब्रीफ जो कि कार्बन को दुनिया भर में ट्रैक करती है उनका यह मानना है कि यूएस के द्वारा अभी तक जो टोटल डाइऑक्साइड एटीन फिफ्टी पिछले डेढ़ सालों में यूएस के द्वारा इतने ज्यादा करी गई है और टू पुट इट मोर इन मच बेटर मैनर तो यह टोटल करी गई

पर कैपिटा एमिशन एवरेज है दैट इज 2.4 पॉइंट फोर टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो कि बहुत ही कम है और इसमें अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे यूएसए यहां पे आता है 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में नंबर दो पे रशिया है नंबर तीन पे चाइना है देन ब्राजील इंडोनेशिया देन उसके बाद आपको ईयू देखने को मिलता है और इंडिया तो इसमें बहुत ही पीछे आता है सो डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स इंडिया है सेड कि डेफिनेटली इंडिया को और बाकी जो विकासशील देश हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इंडिया ने यहाँ पर पैरिस समिट में जो गोल्स को निर्धारित किया गया था उनको भी रिकॉल किया उन्होंने कहा कि जो एमडब्ल्यू को लेकर आप लोग दोबारा बातचीत कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ये कि आप अग्रीमेंट में जो चीजों को फाइनलाइज किया गया था उनको रीओपन करें इंडिया है को समझौते को फिर से खोलने का नेतृत्व नहीं करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि देशों की जलवायु प्रतिबद्धताओं को परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए यानी कि जो भी देश है उसको बेसिकली उसकी कमिटमेंट्स जो है दे हैव टू बी डिटरमाइंड ओनली बेस्ड ऑन दैट कंट्रीज सर्कमस्टांसिस जो कि इनफैक्ट पेरिस समिट 2015 में निर्धारित किया गया था आपको याद करवा दें कि पैरिस समिट में जो निर्धारित किया गया था दैट वॉज आई द इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और ये हर देश अपने हिसाब से अपने लिए सेट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेशनल प्रायोरिटीज डिपेंडिंग

एंड सभी अवेलेबल कराए जा रहे हैं जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा और इसमें ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा मात्र और मात्र बारह हजार छह सौ रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग स्टेट